हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। मैं आयुष सिंह फ्रॉम एंटर डॉग क्लब आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से एक नई वीडियो में। तो गाइज, मैं आप लोगों के बहुत ही सारे डिमांड करने पर मैं एक आप लोगों के बीच एक नया ब्रीडर लेके आया हूं जो कि बहुत ही यंग है और बहुत ही पहले से ये ब्रीडिंग लाइन में है। तो इनसे आज आप लोगों को मैं रूबरू करवाऊंगा और बताऊंगा कि किस तरह से ये ब्रीडिंग लाइन में मतलब क्या कुछ सीखा है इन्होंने, क्या कुछ आपको एक्सपीरियंस दे सकते हैं, और आपको बताऊंगा कि मतलब वो किस तरह से अपने डॉग को हैंडल करते हैं। अब इन्होंने बहुत सारे 6-7 डॉग अपने घर पर रखा है लेकिन वो अलग अलग ब्रीड के हैं, तो इसके बारे में भी जानेंगे कि क्या कुछ रीज़न है जिससे कि मतलब अलग अलग डॉग रखने से क्या बेनिफिट होता है। तो इनसे बात करते हैं और इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कि आप और जो लोकल वीडियो नॉर्मल वीडियो किसी और भी यूट्यूबर्स को देखते हो उससे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए इनसे हम बात करते हैं। तो सबसे पहले मेरे सब्सक्राइबर को अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए। हेलो, मेरा नाम शिवम है और मैं कितने दिनों से आप ब्रीडिंग कर रहे हो इसमें? 7 सालों से। 7 सालों से कौन कौन से ब्रीड में आप काम करते हो? हस्की, सेंट बर्नार्ड, लैब्राडोर और इन्हीं सब। नहीं तो मतलब इतने सारे ब्रीड्स में काम करने का क्या रीज़न है? आप एक भी ब्रीड पे भी काम कर सकते हो? एक ब्रीड रखने से ये होता ना कि मान लीजिए मैंने एक ब्रीड रखा और मेरा उसमें ही एक चलेगा तरीके, एक तरीके के कस्टमर आएंगे, कस्टमर क्या एक तरीके के लोगों से मिलूंगा, लेकिन अलग अलग रखने से अलग अलग तरीकों के लोगों से मिलूंगा, कांटेक्ट बढ़ेगा और कांटेक्ट बढ़ेगा उससे मैं बहुत कुछ सीख सकता हूँ। बस यही रीज़न। तो देखिए इनका मतलब लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अलग अलग होता है। जब आप किसी भी काम को करते हो तो उसका करने का काम सबका अलग मतलब सेम होता है लेकिन उसका करने का तरीका उसको स्पेशल बनाता है। जैसा इन्होंने बताया कि ये अभी मतलब 2-3 ब्रीड्स पे काम करते हैं। ऐसा हम लोग को बताया जाता है कि आप अगर लैब्राडोर का करते हो तो आप लैब में ही करो, जर्मन में ही करो, अलग अलग, तो उससे क्या होगा कि आपका नाम बनेगा। लेकिन जितने भी आप इंडिया में ब्रीडर देखे होंगे उसमें उनके कोई ना कोई बस एक मेल उनका नाम बनाकर चल रहे हैं। अभी आप जितने भी किसी भी अब राजा लाइन ले लो या अब सैम लाइन ले लो, विलियम लाइन ले लो, उनका उन्होंने डॉग बहुत सारा रखा है लेकिन उनका एक ही ऐसा डॉग है जो मतलब उनका नाम बनाकर अभी तक रखा है। तो इसीलिए मतलब इन्हें 2-3 ब्रीड रखना पसंद है इसलिए ये रख रहे हैं। तो आपके पास बहुत सारा ऑप्शन था, आपका अभी एज भी कम है, तो आप फिर डॉग ब्रीडिंग में क्यों आए? बचपन से कुत्तों का शौक है इसीलिए मतलब। तो देखिए हाँ, कई लोग ऐसा बोलते हैं कि मतलब ब्रीडिंग एक पैशन की तरीके से ले सकते हैं लेकिन ये एक ऐसा चीज़ है जैसे पढ़ाई। आपको जब पढ़ने में मन लगेगा, स्टार्टिंग से इंटरेस्ट रहेगा, तभी आप उसे ज़्यादा दिन तक कंटिन्यू कर सकते हो। सेम उसी तरह डॉग ब्रीडिंग भी है। जब तक आपको इसमें मन नहीं लगता है, जब तक आपको ये ब्रीडिंग पसंद नहीं है, तब तक आप ज़्यादा दिन तक इस पर बने रह नहीं सकते हो। क्योंकि अभी पिछले लॉकडाउन में मैं बहुत सारे लड़कों को देखा था जिन्हें मतलब जल्दी इंस्टेंट मनी चाहिए था। उन्होंने बहुत सारी फीमेल लाकर अपने घर में ब्रीडिंग किया लेकिन रिजल्ट लास्टली उनका यही रहा कि वो 2-3 महीने करके कुछ सक्सेस हुए भी, कुछ नहीं हुए, लास्टली सब बंद कर दिए, सब फिर अपने अपने काम में लगे। तो ये ब्रीडिंग कंटिन्यू रखना, स्टार्ट करना, ये दोनों में बहुत अंतर है। स्टार्ट तो सब कर लेते हैं, कोई भी काम को स्टार्ट आप कर सकते हो लेकिन उसमें आपको बने रहने के लिए आपका पैशन और आपका इंटरेस्ट उसमें कितना है वो मेन काम करेगा। तो आप ये आपकी जो फीमेल है ये कितने दिन की है? फीमेल नहीं, ये मेल है। मेल है और ये 2 साल का है। 2 साल का। क्या मीटिंग वगैरह इसका करवा रहे हो कि नहीं करवा रहे? हाँ, मीटिंग ऐसा है कि यहाँ पे मैंने रखा है। हाँ। ये मेल ही है और यहाँ पे ज़्यादा किसी के पास हंस के नहीं है। हाँ। बाहर इसका मीटिंग होता है, बाहर से लोग आते हैं, मान लीजिए बिहार, पटना हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, यहाँ से दूर दूर से लोग आते हैं। और एक यहाँ पे लोकल में हमारे SP सर थे। हाँ, उन्होंने रखा था, उनकी फीमेल से इसका मीटिंग हो रखा है। अच्छा, एक मतलब नॉर्मल मार्केट में क्या पूरे ऑल ओवर इंडिया में लोगों के बीच एक मिसकंसेप्शन है कि मतलब जो हस्की होता है वो नॉर्मल इन्वायरमेंट में नहीं रह सकता, उसको ठंडी इन्वायरमेंट चाहिए। तो आप इसे कैसे, मैं तो देख रहा हूँ नॉर्मल ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ये जो है एडप्ट हो चुका है, मतलब जेनेटिकली बहुत ज़्यादा एडप्ट हो चुका है। हम एक नॉर्मल पंखा या फिर स्टैंड फैन में इसको रख सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि AC ही रखें या फिर मान लीजिए कोई भी कूलर रखें, ज़रूरी नहीं है। अच्छा, तो आप ये बताओ मुझे कि आपने जब ब्रीडिंग स्टार्ट किया था 7 साल पहले, उस समय आपका उम्र भी बहुत कम रहा होगा, तो आपने स्टार्ट करते समय क्या मेल से स्टार्ट किया था कि फीमेल से स्टार्ट किया था? मैंने एज ए पेट खरीदा था, फीमेल लैब्राडोर। हाँ। नहीं तो फीमेल खरीदने का क्या रीजन था आपका? कुछ पहली बार किसी भी कुत्ते को रखने से पहले वो मेल कभी जल्दी किसी से हैंडल नहीं होता है। फीमेल अगर आप रखते हो, हाँ सही बात है कि अगर आप मेल रखते हो तो आपके पास लोग उतना नहीं आते जितना फीमेल में। अगर एक बार भी वो अगर पपी देती है तो आपके पास 7 लोगों तक जाने का ऑप्शन रहता है अगर 7 पपी आता है, तो इसका बेनिफिट होता है। तो आप भी इस तरह, आप में से बहुत लोगों को डाउट रहता है कि हम किस तरह से ब्रीडिंग स्टार्ट करें, मेल ले फीमेल ले, तो क्या होता है देखो, जब फीमेल आप लेते हो तो आप 10-12 हज़ार का अगर फीमेल ले तो किसी भी ब्रीड में, तो उसका कोई अच्छा रिजल्ट आगे आपको मिलेगा नहीं मिलेगा इसका कोई गारंटी नहीं। लेकिन अगर आप नॉर्मल फीमेल लेते हो, उसमें आप अच्छे अगर उससे एरिया के अच्छे मेल से मेटिंग करवाते हो, तो जेन्युइन सी बात है कि उसका रिजल्ट अच्छा होगा। और आप एक मेल से अगर किसी एक फीमेल का मेटिंग करवाते हो तो सिर्फ आपका कॉन्टैक्ट एक से बना है,
लेकिन स्टार्टिंग में आप अगर फीमेल रखते हो तो आप अगर आपके पास पपी आता है, 7 से 8 पपी आता है, तो क्या होता है कि आप 8 लोगों तक कनेक्ट हो सकते हो और आपका फ्रेंड सर्कल 8 लोगों तक बढ़ेगा, जिसे आप कस्टमर मान सकते हो, मेंबर मान सकते हो। हम लोग तो एज अ मेंबर सबको ट्रीट करते हैं, हमारे जितने भी क्लब से रजिस्टर्ड हैं सबको एज अ मेंबर हम लोग ट्रीट करते हैं। तो इसीलिए हम लोग इस तरह के लोगों को, इस तरह यंग ब्रीडर्स को आप लोगों के बीच लाते रहते हैं ताकि आपको पता चले। मेरा मेन मोटिव इनके पपी सेल करवाना या इन्हें प्रमोट करना नहीं होता, मेन मोटिव रहता है कि इनके एक्सपीरियंस को आपके बीच लाएं। क्योंकि आजकल के मैं लड़कों को देख रहा हूँ जो 19, 20, 22 साल के जब आते हैं तो क्या होता है कि उनका माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है। अभी नया ब्रीडिंग देख रहे हैं वो उस लाइन में आ जाते हैं, लेकिन मेहनत इसमें बहुत होता है। अभी मैं आपको आगे की वीडियोस में कुछ दिखाऊंगा कि आप हमारे यहाँ कुछ दिनों में लीटर अगर आता है या कहीं और हमारे जहाँ कैनल है वहाँ पे अगर लीटर आता है, मैं दिखाऊंगा कि किस तरह से पपी तैयार किया जाता है। जब आपके पास पपी जाता है आप उस समय जब आप लेने के लिए आते हो तो बार्गेनिंग बहुत सारा होता है। उसका मेन रीज़न है कि आप लोगों को उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि मतलब हम क्या चीज़ लेने गए हैं, उसमें कितना मेहनत हुआ है। आप इसके बारे में क्या, आपको कैसा लगता है कि आप पपी तैयार किए हो कभी लीटर? क्या मेरे पूरा मेहनत बहुत ज़्यादा लगता है। मतलब मान लीजिए एक नॉर्मल अच्छे क्वालिटी का लीटर तैयार कर रहे हैं पप्पी का, तो यहाँ पे होता है क्या, आप मान लीजिए कोई और लीटर तैयार किया है और कोई अदर क्वालिटी का है, ठीक है, सेम उसका रेट उसने कुछ और रख दिया, यहाँ पे मेरा क्वालिटी कुछ और है, अच्छा बोन है, अच्छा शरीर है, अच्छी लाइन का है, मतलब उसके मदर फादर बहुत अच्छे लाइन के हैं, लेकिन उसका वैल्यू कोई नहीं कर पाता यहाँ पे। रीजन इसलिए देखिए, आपको नॉर्मल अगर डॉग लेते हो उसे भी केयर उतना ही करना होगा। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि अगर आप लोग इस अगर अच्छे क्वालिटी का डिमांड करोगे तो जेन्युइन सी बात है कि ब्रीडर भी अच्छे क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे, क्योंकि ब्रीडर का मेन मोटिव रहता है ब्रीडिंग करना, उन्हें ये चीज़ इस चीज़ में इंटरेस्ट है तभी, नहीं तो वो भी किसी नॉर्मल काम को स्टार्ट कर बैठ गए होते और वो इस तरह से अर्निंग करते होते। इसलिए आप जब पपी खरीदने जाते हो तो आप ये समझो कि आप अपने घर के लिए एक फैमिली मेंबर लाकर लेकर आ रहे हो, इसलिए उस समय बार्गेनिंग मत करो। और अगर लेते हो तो ऐसा चीज़ लेकर आओ कि आपके लिए, आपके पास अगर 15 साल तक वो रहता है या रहती है तो आपको मतलब ऐसा फील करवाए, प्राउड फील करवाए कि हाँ मैंने जो पैसा इसमें खर्च किया है उसका रिजल्ट मुझे मिल रहा है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो आगे चैनल को सब्सक्राइब करके आगे वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस तरीके का एक्सपीरियंस पहुँच सके। और इस तरह के जितने भी यंग ब्रीडर्स हैं उनको हम लोग आगे ले आ रहे हैं, तो इस तरह के अगर आप सपोर्ट करते हो तो इनका भी मनोबल बना रहेगा और हमारा भी। थैंक यू।